अब भगवान गणेश इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में विराजमान हो गए हैं। इसके साथ ही वहां पर पहुंची है हमारी भागवत गीता और इसका श्रेय जाता है हमारे भारतीय मूल की अंतरिक्ष वैज्ञानिक सुनीता विलियम्स को। सुनीता विलियम्स ही अपने साथ इन दोनों को लेकर के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंची है। उनका ये ऐतिहासिक सफर अपने आप में बेहद अहम है। वो ऐसी पहली महिला बन गई हैं जिन्होंने बोइंग स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट के चालक दल में जगह बनाई और वो तीसरी बार अपनी अंतरिक्ष यात्रा पर निकली है। वो पृथ्वी से ऊपर करीब 360 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर कई तरह के एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनेंगी। तो ये पूरी कथा क्या है, पूरी यात्रा क्या है, इसको जानते हैं हमारे इस आज के वीडियो में। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महाना मिस्ट्री। अगर आपने अभी तक महाना मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो सुनीता विलियम्स ऐसी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई हैं जो बोइंग स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट के चालक दल का हिस्सा हैं। इससे पहले भी उन्होंने सबसे ज्यादा दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड बनाया था और इस बार उनकी ये तीसरी यात्रा थी जो कल यानी कि 6 जून को कंप्लीट हुई, जब वो अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंच गई। और यहां पर पहुंचने के बाद वहां पर मौजूद क्रू मेंबर्स ने उनका जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि सुनीता विलियम्स की उम्र 59 साल है, यानी 60 साल में केवल एक वर्ष कम, लेकिन ये उम्र उनके लिए केवल आंकड़ा बन के रह गया है। वो आज भी उतनी ही फिट हैं जितनी फिट वो पहली बार जब अंतरिक्ष यात्रा पे गई थी यानी 2006 में। आपको बता दें कि इससे पहले वो 2006 और 2012 में अंतरिक्ष जा चुकी हैं। नासा के मुताबिक उन्होंने अंतरिक्ष में कुल 322 दिन बिताए हैं। 2006 में सुनीता ने अंतरिक्ष में 195 दिन और 2012 में 127 दिन बिताए थे। 2012 के मिशन की खास बात यह थी कि सुनीता ने तीन बार स्पेस वॉक की थी। स्पेस वॉक के दौरान अंतरिक्ष यात्री स्पेस स्टेशन से बाहर आते हैं। हालांकि पहली यात्रा के दौरान उन्होंने चार बार स्पेस वॉक की थी। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला हैं। उनसे पहले कल्पना चावला अंतरिक्ष जा चुकी थी। अगर सुनीता विलियम्स के करियर की बात करें तो 1987 में यूएस नेवल एकेडमी से ग्रेजुएट होने के बाद सुनीता विलियम्स नासा पहुंची। 1998 में नासा में उन्होंने एस्ट्रोनॉट चुना गया था। उनके पिता दीपक पांड्या 1958 में अहमदाबाद से अमेरिका जाकर बस गए थे। 1965 में सुनीता का जन्म हुआ था। अमेरिकी नेवल एकेडमी से ग्रेजुएट सुनीता विलियम्स लड़ाकू विमान भी उड़ा चुकी हैं। उनके पास 30 तरह के लड़ाकू विमानों पर 3000 से ज्यादा घंटों की उड़ान भरने का अनुभव है। भारतीय मूल के एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स बुधवार की शाम में अपने तीसरे प्रयास के बाद अंतरिक्ष यात्रा पर निकली थी। इससे पहले दो असफल प्रयास हुआ था जब उनका स्पेसक्राफ्ट उड़ान नहीं भर पाया था, लेकिन अब स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट उड़ान भर करके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंच चुका है। इससे पहले सुनीता विलियम्स को अंतरिक्ष भेजने के लिए 1 जून 2024 का दिन निर्धारित किया गया था, लेकिन टेक ऑफ के काउंटडाउन से लगभग 4 मिनट से भी कम समय पहले इसे कैंसिल करना पड़ा था क्योंकि ग्राउंड कंप्यूटर में से एक ने रॉकेट में तकनीकी समस्या के बारे में सूचित किया था। यूएलए ने बताया कि तकनीकी समस्या को दूर करने के बाद इस मिशन को फिर से शुरू किया गया। इससे पहले इस स्पेस मिशन को शुरू करने का पहला प्रयास 7 मई 2024 को किया गया था। तब वॉल्व से जुड़ी तकनीकी गड़बड़ी सामने आई थी जिसके कारण टेक ऑफ के कुछ घंटे पहले इस मिशन को स्थगित कर दिया गया था। तब नासा ने एक बयान में कहा था
कि बोइंग यूनाइटेड लॉन्च अलायंस और नासा ने एटलस वी रॉकेट के सेंटोर दूसरे चरण पर संदिग्ध ऑक्सीजन रिलीफ वॉल्व के कारण 7 मई को पिछले लॉन्च अवसर को रद्द कर दिया था। दो लॉन्च कैंसिल होने के कारण स्टारलाइनर के इस मिशन में देरी हुई और बजट से कहीं ज्यादा खर्च भी हो रहा था। इस मिशन से जुड़ी खास बात यह है कि स्पेस मिशन पर जाने वाली सुनीता विलियम्स महिलाओं के लिए पोस्टर गर्ल बन चुकी है। भारतीय मूल की विलियम्स के लिए यह तीसरी अंतरिक्ष यात्रा है। सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में 322 दिन बिताकर एक रिकॉर्ड बनाया था। इससे पहले अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा वक्त बिताने का रिकॉर्ड पैगी विटसन के नाम था। सुनीता विलियम्स ने इस बार एक नए स्पेसक्राफ्ट पर पहले चालक दल के मिशन पर उड़ान भरने वाली पहली महिला के रूप में इतिहास रच दिया। विलियम्स की पहली अंतरिक्ष यात्रा 9 दिसंबर 2006 से 22 जून 2007 तक थी। अपनी तीसरी अंतरिक्ष यात्रा से पहले 59 वर्षीय विलियम्स ने थोड़ी घबराहट की बात स्वीकार की, जिसके बाद उन्होंने कहा कि नए अंतरिक्ष यान को उड़ाने में कोई घबराहट नहीं है, जिसे उन्होंने नासा और बोइंग के इंजीनियरों के साथ मिलकर डिजाइन करने में मदद की थी। जी हां, सुनीता विलियम्स ने इसे स्पेसक्राफ्ट को डिजाइन करने में नासा और बोइंग के इंजीनियरों की भी मदद की थी और उन्हें पता है कि ये कैसे वर्क करता है और उसके चप्पे चप्पे की जानकारी सुनीता विलियम्स को है। सुनीता विलियम्स ने कहा कि जब मैं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंच गई हूं तो ये घर वापसी जैसा लग रहा है। इससे पहले जब वो अंतरिक्ष यात्रा पर निकली थी तो अपने साथ भगवान गणेश की मूर्ति और भगवत गीता की एक प्रति लेकर गई थी और इस बार भी ऐसा ही है। सुनीता विलियम्स की यह अंतरिक्ष यात्रा अपने आप में इसलिए भी अहम है क्योंकि इस बार वो कई तकनीकी चीजों को लेकर के कई माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड कई एक्सपेरिमेंट वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर करने वाली हैं। इसके साथ ही ये उम्मीद की जा रही है कि वो स्पेस वॉक पर भी निकलेगी और ये उम्मीद की जा रही है कि वहाँ पर जिस तरीके के एक्सपेरिमेंट को इस बार अंजाम दिया जाएगा वो मानव सभ्यता और मानव विकास से संबंधित बहुत ही अहम पड़ाव साबित होने वाला है। इसके अलावा ये जानने की भी कोशिश होगी कि इस ब्रह्मांड में जो घटनाएं घट रही है, जिस तरीके से डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की मौजूदगी का पता चल रहा है, तो उससे संबंधित कुछ एक्सपेरिमेंट वो वहाँ पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में करने वाली हैं। साथ ही ये बता दें कि पिछली बार उन्होंने कई ऐसे एक्सपेरिमेंट में हिस्सा लिया था, कई ऐसे एक्सपेरिमेंट को अंजाम दिया था जिसने यहाँ पर लौटने के बाद, पृथ्वी पर लौटने के बाद कई ऐसे परिणाम दिए जिससे आगे ब्रह्मांड को समझने में काफ़ी मदद मिली। साथ ही वहाँ पर पौधों के पनपने और अंतरिक्ष में किस तरीके से फार्मिंग हो सकती है, उस कंट्रोल एनवायरनमेंट में किस तरीके से पौधों का विकास हो सकता है, इसके बारे में कई अहम जानकारियां उन्होंने अपने कई एक्सपेरिमेंट के माध्यम से जुटाई थी। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।